एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाफोई इंग्लिश ग्रू। और दोस्तों आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ, बिना सब्जेक्ट, बिना वर्ब और बिना ऑब्जेक्ट को डिस्कस किए। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और जितना डीप ग्रामर में जाते हैं उनकी इंग्लिश स्पीकिंग उतनी ही स्लो हो जाती है, क्योंकि जब भी वो इंग्लिश बोलते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सा टेंस लगेगा, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं और वो बहुत धीरे इंग्लिश बोलते हैं। वो इतनी स्लो इंग्लिश बोलते हैं कि कई बार लोग उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश को तेजी से बोलना चाहते हो तो डीप ग्रामर में बिल्कुल नहीं जाना है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आप इस एग्जांपल को बड़े अच्छे से समझिए। दोस्तों हमारे आसपास हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है वो हिंदी नहीं बोलते हैं लेकिन उनको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनके प्रकार, इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदी बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमें भी यही करना है, आपको ज्यादा डीप ग्रामर में नहीं जाना वरना आपकी इंग्लिश स्लो हो जाएगी। और अगर आप इंग्लिश तेजी से बोलना चाहते हो तो आप ग्रामर को सही टेक्निक से सीखे, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, आते हैं, इसका भ्रम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ता है, ती है तो सकता है में भी आता है। तो दोस्तों आपको इन सेंटेंस को कैसे पहचानना है, आपको पहचानना है क्योंकि इन सेंटेंस में एक थीम छिपी होती है और वो थीम है हमेशा। ऐसा कोई काम जो आप हमेशा करते हो या उस टाइम पीरियड में डेली करते हो, जैसे मैं 11 बजे जिम जाता हूं तो आप डेली जाते हो, या कोई आदत जो आप हर दिन दोहराते हो। तो दोस्तों ताहे दिए के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप बस महसूस कीजिए और सेंटेंस बना दीजिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो जब भी नाम आए, जैसे राम, सीता, गीता, जो भी नाम आए, या ही, शी, नेम इट, जो भी होते हैं, उसमें आपको लगाना है एस और ईएस भी लगता है। ईएस की बात हम बाद में करेंगे, अभी आप ये सोचिए केवल मुझे एस लगाना है। और जो नेगेटिव होता है उस पर हम डज नॉट लगाते हैं, जो इंटरोगेटिव होता है यानी जिसमें क्या आए उस पर हम डज को आगे लेके आ जाएंगे, और जो डब्ल्यू एच होते हैं जैसे व्हाट, विच, वेयर, तो डब्ल्यू एच के साथ हम डज लगा देंगे। इसी तरीके से अगर मैं अपनी बात करूं, मैं, तुम, हम, वे, इनकी बातें करूं, तो इसमें आपको क्या करना है, एस बिल्कुल नहीं लगाना है और डू नॉट लगाना है नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में डू आगे आ जाएगा और डब्ल्यू एच में हम डब्ल्यू एच प्लस डू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आगे भी आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप टेंस को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारे इन दो वीडियोस को भी देख सकते हो जिसमें आप एक सांस के फॉर्मेट से टेंस को समझ सकते हो और सीख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से लिंक करके आप इस वीडियोस तक पहुंच जाओगे। तो वाफोई इंग्लिश गुरु हमेशा यही कहता है कि आप रटिए मत। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम रटेंगे नहीं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और हमेशा के। देखो दोस्तों इसको हम एक फनी स्टोरी से समझते हैं। जैसे रानी और मैं, हम दोनों के दोनों मार्केट गए। रानी ने एक प्रेशर कुकर खरीदा और मैंने खाना पकाने के लिए एक पतीला खरीदा। दोस्तों जब हम घर आए और हमने खाना पकाना शुरू किया तो देखो दोस्तों किसके घर से कैसी साउंड आएगी। जो रानी है, रानी के घर से साउंड आएगी प्रेशर कुकर की, और मेरे घर से ऐसी कोई साउंड नहीं आएगी। इसका मतलब जब भी नाम आए तो आपको एस लगाना है। जैसे रानी खाना पकाती है तो रानी कुक्स फूड, आपको एस लगा देना है, एस को कभी मत भूलिए। और इसी तरीके से रानी खाना नहीं पकाती है तो रानी डज नॉट कुक फूड। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो कहा था कि आपको एस लगाना है और मैंने तो लगाया नहीं, रानी डज नॉट कुक्स फूड। नहीं दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, आपको डज नॉट वाले सेंटेंस में एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ईएस को डू के साथ लगा दिया है और वो आपका डज बन गया है, इसलिए अब आपको आगे एस नहीं लगाना है। तो सेंटेंस हो जाएगा रानी डज नॉट कुक फूड। इसी तरीके से दोस्तों क्या रानी खाना पकाती है, तो डज रानी
cook food? रानी खाना क्यों पकाती है? तो why does रानी cook food? अब बात करते हैं, मैं खाना पकाता हूँ, I cook food, मैं खाना नहीं पकाता हूँ, I do not cook food, क्या मैं खाना पकाता हूँ, do I cook food, मैं खाना क्यों पकाता हूँ, why do I cook food, और आप दोस्तों एक सेंटेंस और बना सकते हो, मैं खाना क्यों नहीं पकाता हूँ, तो why do I not cook food. दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ES लगाने के क्या रूल्स हैं। अगर हम ES की बात करें और जिन शब्दों के पीछे, जैसे कि अगर हम वर्ब की बात करें, जैसे गो है, तो जिनके पीछे ओ आ जाए वहाँ पे आपको ES लगा देना है। जैसे गो का गोज, डू का डज, CH की हम बात करें तो टीच का हो जाएगा टीचेस, SS मिस की बात हो जाएगी मिसेज, फिनिश फिनिशेज, वॉश वॉशेज। एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, he goes to school. वह स्कूल नहीं जाता है, he does not go to school. क्या वह स्कूल जाता है, does he go to school? और वह स्कूल क्यों जाता है, why does he go to school? वह स्कूल कब जाता है, when does he go to school? कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जैसे कि IES कब लगता है, जैसे कि आपने देखा अगर हम अप्लाई की बात करें तो अप्लाई का हो जाता है अप्लाइज, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको Y हटाकर IES लगा देना है। जैसे फ्लाई है तो फ्लाई का फ्लाइज, कॉपी का कॉपीज, कैरी का कैरीज, स्टडी का स्टडीज और ट्राई का ट्राइज। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे वह कोशिश करता है तो ही ट्राइज, वह कोशिश नहीं करता है he does not try, क्या वह कोशिश करता है does he try, वह कोशिश क्यों करता है why does he try, वह कोशिश क्यों नहीं करता है why does he not try. अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वह खेलता है, इसकी इंग्लिश होती है he plays, तो आपने he प्लेज यानी वाई के बाद आपने एस लिखा, आई एस क्यों नहीं लिखा, तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है, जैसे ट्राई का हमने वाई हटाकर आई एस लगाया, ऐसे हमने प्ले का वाई हटाकर हमने आई एस नहीं किया, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमेशा याद रखो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है, तो वाई को हटाकर हम आई एस लगाते हैं, जैसे ट्राई तो वाई से पहले आर है तो हम वाई को हटा के ट्राइज बना देंगे। और अब बात करते हैं कि वाई को हटाकर आई एस कहाँ नहीं लगाया जाता है, वो नहीं लगाया जाता है जब वाई से पहले वॉवेल आए, और वॉवेल तो आपको पता ही है ए ई आई ओ यू, तो इसको हम वाई को नहीं हटाते हैं और आई ई एस भी नहीं लगाते हैं, केवल एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्लेज, वह खेलता है ही प्लेज, ऐसे ओबे का हो जाएगा ओबेज, हमने यहाँ पे वाई को नहीं हटाया। अब बात करते हैं हमेशा और ऐसी आदत जो आप दोहराते रहते हो का जिक्र जब वाक्यों में हो, जैसे वह हमेशा लेट आता है तो ही ऑलवेज कम्स लेट। मैं हमेशा इंग्लिश बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। वह सुबह जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों अब आती है अभ्यास की बारी, आप ये केवल एक मिनट का अभ्यास बनाएगा आपकी इंग्लिश बिंदास, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों आप अपनी घड़ी में एक मिनट का समय सेट कर दीजिए और अपने स्टॉप वॉच में चेक कीजिए कि आप एक मिनट में कितने सेंटेंसेस आप बोल सकते हो और बना सकते हो, जैसे कि आई लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू, डू आई लाइक यू, व्हाई डू आई लाइक यू, ही लाइक्स मी, ही डज नॉट लाइक मी, डज ही लाइक मी एंड व्हाई डज ही लाइक मी, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, हाउ डज ही प्ले क्रिकेट। बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों आप बनाइए, आप इतने सारे सेंटेंसेस बनाइए कि आपको लिखने की जरूरत ही ना पड़े, आप अपनी इमेजिनेशन पावर का बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल कीजिए और आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं, जल्दी जल्दी आप बनाइए। तो स्पीकिंग, जब आप स्पीकिंग करोगे
तो आप अटकोगे भी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग इसका हैबिचुअल हो चुका है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत जल्दी सेंटेंसेस बना लेता है। नाउ होमवर्क टाइम दोस्तों, इसकी इंग्लिश आप बनाइए और मुझे भी बताइए। क्या वह मुझे जानता है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, राम हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, तुम क्यों मुझे परेशान करते हो, वह ऑफिस कब जाता है, तुम हमेशा जल्दी आते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। दोस्तों टिप ऑफ द डे, याद रखिए जब भी हु वाला सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करें तो उसमें आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है। कौन खाना पकाता है तो ये मत लिखिए हु डज कुक फूड या हु डू कुक फूड, ये गलत है दोस्तों। आपको लगाना है हु कुक्स फूड, यानी आपको हु कुक्स फूड करना है। जैसे कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल वाफ़ई इंग्लिश गुरु। बाय बाय, सिया एंड चाओ।